फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए सुबह का 7:45 एंड मैं सुबह 6 बजे के पहले से आई थिंक 5 बजे से जगी हुई हूँ। एंड यहाँ पर मैं बैठ के अभी कुछ देर शॉर्ट वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोज़ अच्छे से बनाना नहीं हुआ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जो संडे व्लॉग वाला, तो आप लोग प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियोज़ काफ़ी अपलोड करती हूँ, आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को भी फॉलो कर लीजिएगा। आज सुबह से बारिश वगैरह तो नहीं है, बट बाहर का वेदर काफ़ी सनी है। आज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी धूप आ रहा है। एंड तो घर पे बहुत सारा कपड़ा सूख रहा था, तो मैंने कुछ कुछ बाहर सुखा दिया अभी। तो ये वाला जो गेट है हम लोग का, ये पूरी तरह से खुलना बंद हो चुका है। तो मैंने कल से दिन से ये वाला गेट, इस पोर्शन वाला खोल दिया है, बिकॉज़ यहाँ से एकदम ही हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। एंड डर भी लग रहा है कि ज़्यादा मतलब टानेंगे इसको तो फिर कांच वाच कहीं टूट ना जाए। अभी हम लोग इस पोर्शन से हम लोग को निकलना पड़ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी का वो रखा हुआ है जार, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इस साइड कर दूंगी, क्योंकि इस साइड का गेट बंद हो चुका है। तो फिर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा खाली रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नया नया प्रॉब्लम चालू होता ही रहता है, यही है लाइफ, दिस इज लाइफ। एंड पर अब देखो बाथरूम का लाइट अपने बंद नहीं किया। एंड बस अभी सुबह आज बनाऊंगी मैं व्हाइट सॉस सैंडविच। एंड आज तो दिन में बाहर कहीं घूमने जाने का मन था, बट आई डोंट थिंक आज निकल पाएंगे। अगर निकल पाएंगे तो वेल एंड गुड, बिकॉज लोग निकल भी रहे, बिकॉज आज भी रैलीज निकलने वाली है फॉर दैट स्पेशल कॉज। एंड बोला भाना वेइंग मशीन लेके आओ, मुझे आपका वेट देखना है, क्योंकि सही में मुझे उसका वेट चेक करते रहना पड़ेगा। चलो पैर डालो, नहीं आपने बैटरी गलत लगाया इसीलिए बोला था बैटरी मुझे। हो जाओ, आप मुंह सीधा करो, फेस सीधा करो, दिखाओ वेट दिखाओ। हाँ थोड़ा सा सही हुआ है, हाँ अच्छा है पनक का वेट अभी जो होना चाहिए था, जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इतना वेट इसके एज में, इसके हाइट में होना चाहिए, वही वेट अभी इसका है। वेट मैं नहीं बताऊंगी, बच्चे का नहीं बताना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा वेइंग मशीन में तो देखा होगा, बट उतना वेट इसका हो चुका है जितना डॉक्टर ने बोला था होना चाहिए। तो ठीक है, कम से कम आई एम हैप्पी कि ये अभी अंडर वेट तो नहीं है। तो चलो ये वाला लिखो, ये कौन सा अक्षर है बताओ? म से मछली। मछली, ये कौन सा अक्षर है? आ। य। य से यज्ञ। यज्ञ। ये कौन सा अक्षर है? ल। ल से लड़की। लड़की। ल से रात। रात। तो ये कौन सा अक्षर है? व। व से वन। हेलो न्यू पेंसिल, अब इससे कर लो। फ्रेंड्स, बच गया है दिन का 1 एंड मेरा पूजा अर्चना करना सब कंप्लीट हो गया है। आज ना बाहर में पिछले 3 घंटे से कंटिन्यूस बारिश हुए जा रहा है। देखिए कंटिन्यूस, मैं और प्रणव आज निकलने वाले थे क्योंकि आज है संडे, फिर कल से इसका स्कूल वूल चालू हो जाएगा, तो मैंने सोचा था आज थोड़ा देर निकल जाऊंगी, बट हुआ नहीं, बहुत देर से बारिश हो रहा है। प्रणव ने नहा के पहना है पिंक कलर का टी शर्ट। मैंने इसको बोला कि बेटा, ये पूछता है कि मम्मा आज कौन सा कलर का पहनूं, तो मैंने बोला रेड या पिंक, क्योंकि आज है संडे, तो इसने पिंक कलर का टी शर्ट पहना है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है एंड ये देखिए बहुत देर से बारिश हो रही है। एंड ये देखिए रोड्स का हालत देखिए, पूरी तरह से गीला हो चुका है।
दिन ऐसा बारिश अच्छा नहीं लगता, बिकॉज संडे तो होता है घूमने फिरने का दिन ना, तो उस दिन इस तरह का बारिश मुझे तो एकदम अच्छा नहीं लगता। बाहर में खड़े होके क्या तो व्लॉग करें, कुछ भी बोलने जाऊंगी, बाइक स्कूटर आता ही रहता है, समझ में नहीं आता, ये गली से बहुत बाइक और स्कूटर जाता रहता है, हम लोग जब गली क्रॉस भी करते हैं कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आता ही रहता है। एंड ये देखिए पनम ने यहाँ पर क्या लिखा है, WWE, क्यों WWE क्यों लिखा है बताओ, किसी का फाइट करवाने के लिए, किसी का फाइट करवाने के लिए, मतलब तू भी तू, क्या मतलब दो जन दो, ये लिखा है WWE, अभी क्यों लिखा है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बट पता नहीं इसको अचानक से हो सकता है कि WWE में इसको आजकल इसका शौक आ गया होगा इसको। मैंने लंच नहीं बनाया है बिकॉज आज हम लोगों का पहले से ही तय था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, पर अभी बारिश चालू हो गई है तो बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो लंच मैंने ऑर्डर कर दिया है परफ का और मेरा। पहले भी एक दिन हुआ था, आज भी यही गड़बड़ हुआ है कि मेरा वाला पार्सल जो कि है आ चुका है पहले, जबकि पनफ का खाना मैंने पहले ऑर्डर किया था बहुत पहले, मेरा वाला मैंने बाद में किया था, पर पनफ का खाना दिखा रहा है अभी तक आया नहीं है बारिश की वजह से, पर मेरा खाना मतलब पनफ का खाना जहाँ से आएगा मेरा खाना उससे दूर से आएगा, पर पहले पहुँच गया है। अब मैं क्या करूँ, बेचारा वेट कर रहा है बाहर, ही देखिए बाहर जाके वेट कर रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसका पहले ऑर्डर किया था, मेरा इसका ऑर्डर करने के 15 मिनट बाद मैंने अपना ऑर्डर किया था, पर मेरा वाला पहले आ गया है। इसको हाय बोल रहा है क्या? हाँ। कौवा को कैसा है, जब बारिश होगा तब तक से पहले करना। हाँ बोल दिया ना कि बारिश जब तक है तब तक आप यहाँ ही रहिए, जब बारिश खत्म हो जाएगा तब आप जाइएगा, ठीक है? चलो मैंने भी बोल दिया, फ्रेंडशिप कर लो। अच्छा देखो मतलब वो भी करना चाहता है फ्रेंडशिप, कितना बोल रहा है, देखो ऐसा लग रहा है सब समझ रहा है हम लोग का बात। कर लिया फ्रेंडशिप, तुम फ्रेंडशिप करने के चक्कर में गिर मत जाना, देखना नीचे बहुत स्लिपरी है जमीन। हाँ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग उस बाहर का नजारा देख रहे हैं, परफ तो अपना खाने का वेट कर रहा है, खाना आने का पता हाँ। नहीं तेरा खाना अभी रास्ते में ही है, आ रहा है, मेरे पास मैसेज आया है, जाओ जाके ले लो। फाइनली आ गया है पनफ का भी खाना, बहुत देर तक डायरेक्शन लेना पड़ा, फाइनली आ गया है पनफ का भी खाना, खुशी देखो खुशी देखे, सारे दांत निकल गए हैं। जोमैटो से ऑर्डर किया था पर डोमिनोज का इसका पिज्जा मोस्के के सब ऑर्डर किया था, बट डोमिनोज का आदमी आकर डिलीवर कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग का यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, तो मैंने बोला देखिए मैंने तो जोमेटो से ऑर्डर किया था, आप लोग क्यों डिलीवरी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐप से ऑर्डर करने से वो लोग आते हैं, पर जोमेटो से ऑर्डर करने से अगर आप कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप से ऑर्डर करेंगे तो वो लोग को आना चाहिए ना, तो मैंने बोला वो लोग नहीं आ रहे आप लोग आ रहे, तो बोले कि नहीं स्टाफ बहुत कम है इसलिए हम लोग को ही डिलीवर करना पड़ रहा है, मतलब ऑर्डर जोमेटो से हुआ पर डिलीवर वो लोग खुद कर रहे हैं क्योंकि प्रीपेड ऑर्डर है ना, एंड बारिश भी है, तो मैं सोच रही थी इसका खाना पीना गीला ना हो जाए, फिर मैं देख रही हूँ इन लोगों ने अलग से पैकेट रैप करके मतलब लेके आए हैं, तो अच्छा है, अच्छा लगा मुझे इनका सर्विस। लेके जाओ मेरा वाला भी लेके जाओ, मैं दो तो प्लेट ला रही हूँ, ठीक है अपना खाना मेरा खाना रख दो वहां पर, मैं दो प्लेट लेके आ रही हूँ। हाँ वेलकम, बच गया है शाम का 7:15 एंड मैं यहाँ पर न्यूज़ देख रही थी, पिछले 2-3 घंटे से ही मैं न्यूज़ देख रही हूँ जो कि अभी देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, तो मैं काफ़ी न्यूज़ अभी देखती रहती हूँ। एंड चीयर्स टू आवर पीपल, जो लोग इतना हिम्मत दिखा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते में खड़े होके चल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कदम उठाने के लिए। एंड बस मैं अभी यही देख रही थी न्यूज़ वगैरह, मैं हर दिन ही देखती हूँ 2-3 घंटा 4 घंटा मैं बहुत देखती रहती हूँ न्यूज़, क्योंकि हर चीज़ का खबर होना ज़रूरी होता है आपको, मैंने दिन में 2-3 घंटा सुला दिया था, घंटा सो गया था, तो अभी काफ़ी फ्रेश फील कर रहा है ना पना। एंड बस अभी पढ़ाई वराई तो होगा नहीं है, थोड़ा सा गेम वेम लेके बैठा है, तो जाओ खेल लो थोड़ा देर।
पीने वाली हूँ ग्रीन टी। ये वाला मैं लेके रखी थी लाके, पहले तो मैं बहुत ही यूज करती थी, तो अभी से मैंने सोचा कि अब से एवरीडे मैं कोशिश करूंगी एक दो बार ग्रीन टी पीने की। बिकॉज मेन फैक्टर जो कि है ना, मेन फैक्टर है ये स्ट्रेस रिलीफ देता है, क्योंकि जब दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंड आपको शरीर को थोड़ा सा हेल्दी रखने की कोशिश के वजह से मैंने सोचा है कि अब से मैं वीक में एवरी डे कोशिश करूंगी एक बार या दो बार ग्रीन टी पीने की। तो फाइनली बन चुका है मेरा स्ट्रेस बस्टर एंड डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन टी, बिना दूध, बिना चीनी, ओनली पानी एंड ग्रीन टी लीव्स। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं आप लोगों से फिर से नए व्लॉग में। बाय बाय।